कोटा की पुरानी बस्ती में युवक अपनी मां को पीट रहा था। इस दौरान बीच बचाव करने पर युवक ने अपनी चाची के चेहरे पर गर्म चाय फेंक दी, इसके बाद मुक्का मार कर नाक तोड़ दी। घटना की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। कोटा में रहने वाली आशा शुक्ला गृहिणी है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनके जेठ माता फेर शुक्ला का बेटा केशव नशेड़ी है। वह नशे में आए दिन अपनी माँ से मारपीट करता है। गुरुवार को मोहल्ले में जितेंद्र मिश्रा के घर तेरवी का कार्यक्रम था। महिला कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। इस दौरान किसी ने बताया कि केशव अपनी मां द्रौपदी की पिटाई कर रहा है। इस पर आशा अपनी जेठानी को बचाने के लिए पहुंच गई। वह अपनी जेठानी से हालचाल पूछने के बाद भतीजे केशव से मारपीट के संबंध में पूछताछ की। इस पर युवक ने अपनी चाची के चेहरे पर गर्म चाय फेंक दी। इस पर महिला ने शोर मचाते हुए अपने भतीजे को डांट लगाई, तब केशव ने मुक्का मारकर चाची की नाक तोड़ दी। महिला ने इसकी शिकायत करने कोटा थाने जाने लगी तो युवक ने उसे पकड़ लिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आरोपित युवक आए दिन अपनी माँ से मारपीट करता है। गुरुवार की दोपहर भी वह अपनी माँ की पिटाई घर में ही कर रहा था। इस दौरान उसकी चाची ने समझाइश देते हुए घटना के संबंध में पूछा। इस पर युवक ने गलती करने पर सजा देने की बात कही, साथ ही उसने अपने चाची पर भी गर्म चाय फेंक दी। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।